नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और बहुत अच्छे हो गए। और ये देखिए, और ये मैं नहा धोवा के आ गई हूँ और बस मेरा ना, मैं बाल पोछ रही हूँ तो बाल आज मैंने सर धो के नहाया है। तो कल शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि, तो हम लोग में मतलब रीति रिवाज है कि मतलब एक दिन पहले हम लोग बाल धो के नहाते हैं और ये क्या कहते हैं, बाल धो के शैम्पू करके नहाना पड़ता है, नहाई खाई इसे बोलते हैं, तो इसीलिए। और बस क्या कहते हैं, तो आज मैंने शैम्पू करके नहा लिया है और कल क्या कहते हैं, मेरा व्रत रहेगा कल। तो बस यही है हम लोग का रीति रिवाज। तो बाल मैंने पोंछ लिया अच्छे से, नहीं तो अभी खाना पीना बनाने से पूरे सर में से पानी टपकते रहता है तो अच्छा नहीं लगता, और ठंड का मौसम भी है ना तो सर्दी भी लग जाएगा। और ये देखिए, ये ना ताज़ा ताज़ा एकदम ताज़ा पालक लाए थे, तो आज मैं पालक और आलू बैंगन टमाटर ये सब मिला के सब्जी बनाने वाली हूँ दोस्तों। तो ये देखिए, और हो गई मेरी त्योहारों की मतलब मैं त्योहारों की तैयारी मतलब मेरी शुरू हो गई है। और क्या क्या मैं त्योहारों में आज करूँगी, दिन भर क्या क्या करूँगी, तो वो सब देखिए। और दोस्तों ये देखिए, अभी पालक मैं काटूँगी, काट के धो लूँगी और फिर धो के इसे ये क्या कहते हैं, ये बनाऊँगी सब्जी। तो ये ना, ये भी घर में थे तो आज ये मेरी हेल्प कर दे रहे, तो ये भी नहा धोवा लिए हैं। और ये देखिए, ये पालक काट दिए हैं और बैंगन भी काट दे रहे, तो बैंगन ना काटा वाला था और छोटा सा मैंने वीडियो बना लिया इनको, ये इनको पता भी नहीं चला था। तो ये देखिए, पालक कट गई है, अब इसे धोना है सिर्फ, तो धो लेंगे हम लोग, तो मैं धो लूँगी। ये काट दिए हैं तो इनके पास टाइम था अभी, तो काट दिए हैं। और मैं ना अभी चाय बना रही थी, चाय मतलब इनको भी पीना है मुझे भी पीना है, तो चाय मैं बैठा दी हूँ और सब्जी ला के यहाँ पर मैं दे दी थी, पालक वगैरह जो भी था। तो ये ना बोले, लाओ मैं ही काट देता हूँ, तुमसे अच्छा से कटेगा कि नहीं, इसीलिए होता है। तो बस कभी कभी ये पालक वगैरह साग वग लाते हैं तो कभी कभी काट कट कर देते हैं, मैं मतलब जो है सो है मैं बता देती हूँ। और यहाँ बच्चे लोग पढ़ रहे थे, तो ये देखिए सुबह का टाइम है तो मेरी बेटी पढ़ रही थी अभी, और मैंने देखिए आलू पालक बैंगन सबको मैंने धो लिया अच्छे से, और टमाटर भी निकाल लिया, तो इसमें टमाटर तो पड़ेगा ही। और बस मैं सब्जी बना लूँगी अभी, जीरा और इसमें डाल दिया है और हरी मिर्च मैं डाल दूँगी, तो हरी मिर्च थोड़ा सा डाल देती हूँ, थोड़ा सा अच्छा सा बनेगा तो अच्छा चटक टाइप का लगेगा। और इसमें लहसुन भी डालूँगी, तो बस थोड़ा सा मतलब बैंगन ना अच्छे से भुन जाएगा बैंगन, और इसमें मसाले मैं थोड़े मोड़े डाल दूँगी, और लहसुन कूट के मैं रखी हूँ देखिए, तो लहसुन भी मैं इसमें कूट के, और सब सारा कुछ मैं मतलब आलू बैंगन जो मैंने डाला ना, पालक मैंने यहाँ धो के रखा है पानी करने के लिए, तो वो सब भुन जाएगा ना, उसके बाद मैं पालक डालूँगी थोड़ी देर के बाद। तो अच्छे से बैंगन को मतलब कि मैं मिला ले रही हूँ, बैंगन और आलू टमाटर ये सब सबको, और मसाले वसाले सब भुन दे रही हूँ, उसके बाद मैं पालक डालूँगी थोड़ी देर के बाद। तो अभी ये देखिए, अभी भुन थोड़ी मतलब 5 मिनट भुन लूँगी अच्छे से, तो अच्छा लगता है जैसे ऐसे आप बना के देखिएगा, सोना सोना टाइप का थोड़ा लगता है, अच्छा लगता है इसलिए। तो ये देखिए, सारे मसाले भी मैंने डाल दिए हैं और टमाटर भी डाल दूँगी, सब कुछ डाल के मतलब थोड़ी देर पका लूँगी, मतलब भुनते रहेंगे। नमक सिर्फ मैंने नहीं डाला, नमक को थोड़ी देर बाद डालूँगी दोस्तों। तो बस मेरी ये देखिए कितना अच्छा, और ऐसे आलू बैंगन की सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी लगेगी, लेकिन मुझे पालक मिलाना है क्योंकि आज एकदम ताज़ा पालक था, एकदम हरा हरा। और इधर साइड ना बेचने वाले भी आते हैं तो उनसे भी ले लो, तो वो भी अपने खेत के एकदम ताजे हरे वाले एकदम तोड़ के लाते हैं, तो वो भी खाने में बहुत ज़्यादा स्वाद लगता है दोस्तों, बाज़ार वाला से ज़्यादा कई गुना अच्छा लगता है यहाँ वाला, तो ज़्यादातर मैं ख़रीद लेती हूँ। और ये देखिए, अब मैं इसमें थोड़े पालक डाल दूँगी, अब ये पालक के लिए एकदम तैयार हो गया है। तो ये देखिए, मैं पालक डाल दे रही हूँ और पालक सारा मतलब ज़्यादा लग रहा है, लेकिन गल के तो थोड़ा सा हो जाता है, मतलब देखिए देखने से लग रहा है ना कितना ज़्यादा। और बस ये आज पालक और ये क्या कहते हैं, बैंगन की सब्ज़ी, और मैं इसके साथ चावल रोटी, तो बस दोस्तों मैंने सारा पालक इसमें डाल दिया है
और हो गई है मेरी सारी तैयारी, शुरू हो गई है मेरी तैयारी। तो बस मैंने यही सब सिंपल सा खाना बना रही हूँ और फिर क्या कहते हैं तैयारी भी शुरू हो गई। तो मैं बाल धो के आई हूँ, सबके तरफ अपना अपना रीति रिवाज रहता है, हम लोग के तरफ भी ऐसा ही है, मतलब अपने अपने रीति रिवाज से ही सब करते हैं। और महाशिवरात्रि कल है, तो आप लोगों को बहुत बहुत महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो दोस्तों, और शिव गौरी की शादी का मतलब शुभ अवसर पर सबको आप लोग को निमंत्रण है। तो आप लोग आइए, मैं आपको दिखाऊंगी, मंदिर भी ले जाऊंगी, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर मेरा वीडियो। और ये देखिए आलू पालक बैंगन कैसे गल के मतलब थोड़ा सा हो गया है, और ये देखिए कितना टेस्टी सब्जी दिख रहा है और बहुत ही टेस्टी भी बना था, और टमाटर वगैरह सारा कुछ मिल गया, बहुत अच्छा लग रहा देखने में, और खाने में तो मत पूछिए। और इसके साथ बच्चे लोग के लिए मैं बना रही हूँ पराठा, वो लोग पराठा खाएंगे और मैं अपने लिए रोटी ही बनाऊंगी, क्योंकि मुझे इसके साथ रोटी पराठे चावल सब अच्छे लगते हैं। तो मैं चावल भी बनाऊंगी क्योंकि मुझे चावल खाना है इसके साथ, और चावल बहुत अच्छा लगता है इसके साथ हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग बताइएगा ज़रूर। तो देखिए यहाँ पर मेरे पराठे बन गए हैं गर्मा गर्म, और सब्जी भी एकदम गर्मा गर्म है। तो बस आ जाइए दोस्तों, आप लोग भी आके बताइए कैसा टेस्ट है। और बस अब हम लोग खा पी के फिर उसके बाद खाना पीना बनाएंगे। और बस दोस्तों नाश्ता वगैरह करने के बाद, और फिर मम्मी का भी तबीयत ठीक नहीं है ना, मैं आपको अगले वीडियो में दिखाई ही थी, मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है तो फिर भी अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी, कोई भी पर्व त्यौहार माँ बाप जब तक अच्छे नहीं रहते ना तब तक सब खराब ही लगता है। और मैं मिलने भी गई थी लेकिन अभी फिर बार बार तो नहीं जा सकती, लेकिन मैं देखूँगी कोशिश करूँगी जाने के लिए। और मेरा चावल भी तैयार हो गया है, तो बस अब चावल के साथ ही मैं खाऊँगी, रोटी मैंने नहीं खाया था तो चावल मुझे खाने का मन कर रहा था, तो चलो। और कल व्रत भी रहेगा, उपवास रहेगा, इसलिए मैं अभी चावल ही खा ले रही हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए लंच करने के लिए, गर्मा गर्म लंच है। और चलिए तो फिर थोड़ी देर में मॉर्निंग दोस्तों, तो अभी है शाम का टाइम और शाम के बज गए हैं कितना, अभी 6:30 बज गए हैं। और बस मेरा अभी कपड़े वगैरह ला के सरिया वरिया कर रख दिया है, और बस ये ना मिट्ठू बहुत ज़्यादा हल्ला करता है कभी कभी, बोलने भी नहीं देता है बिल्कुल भी। तो चलिए फिर ना मैं अभी मेरा मतलब आज बहुत थोड़ा लेट हो गया था, और आज बच्चे लोग ना घर ही में थे, आज स्कूल ट्यूशन ये सब का शायद छुट्टी था इसलिए घर में थे, तो बच्चे लोग ना बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला करते रहते हैं घर में, तो काम भी मेरा नहीं हो पाता। और जब बच्चे लोग घर में रहते हैं ना तो कभी ये करो कभी वो करो कभी वो करो ऐसे ही करके टाइम बीत जाता, सारा टाइम मेरा आज बिल्कुल भी, मैं खाली बिल्कुल नहीं बैठी हूँ। अभी अभी मैंने कपड़े वगैरह तह लगा के अभी रखे ही हैं, और अभी बेडशीट वगैरह भी धोना है, बेडशीट भी आज धोया था। और बस अभी शिवरात्रि आने वाला है ना, महाशिवरात्रि, तो बस इसीलिए बेडशीट वगैरह मैंने धो दिया था। तो और कब आज धूप भी नहीं निकला था तो कपड़े थोड़े गीले गीले हैं, लेकिन बेडशीट हल्का था ना तो सूख गया था, लेकिन और मोटे मोटे जो कपड़े थे ना सब मतलब गीले ही रह गए, तो इस साइड मैंने डाल दिया है इस साइड सारा। तो चलिए शाम का टाइम हो गया, तो शाम के अब मतलब देखते हैं खाने पीने में क्या बनता है। और बस आज का मतलब यहीं पर शाम हो गया, ऐसे काम ही करते करते हैं दोस्तों। और बस और मिट्ठू भी ना इतना ज़्यादा हल्ला कर रहा है ना, मुझे बोलने ही नहीं दे रहा, आप लोग सुन ही रहे होंगे, और घर में ही रखे क्योंकि शाम हो गया तो किधर जाएगा मिट्ठू इसीलिए। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो अभी है शाम का टाइम, और बस शाम का टाइम है तो मैं कल गई थी अपने मम्मी से मिलने के लिए, तो मम्मी का ना मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है दोस्तों, तो आप लोग प्लीज़ दुआ करिएगा कि मेरी मम्मी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गया है एकदम बिल्कुल बेड रेस्ट, डॉक्टर ने बोल दिया है, और कोई भी दवाई कोई भी ये मतलब कोई भी सुई कुछ भी काम नहीं कर रहा दोस्तों, बहुत परेशान है मेरी मम्मी। और मेरी मम्मी का ना कमर में बहुत ज़्यादा ही पता नहीं क्या हो गया है, उठने नहीं सक रही है, और बहुत डॉक्टर पास और सब बहुत सब जगह गई लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो बस अब आप लोग दुआ करिएगा कि जल्दी से जल्दी मेरी मम्मी ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ में है। और मैं कल गई थी मिलने पर फिर आना पड़ा क्योंकि यहाँ भी बच्चे लोग का एग्ज़ाम वगैरह चल रहा है, तो मैं ज़्यादा देर रुक नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी 1-2 घंटा मैंने रहा, मन नहीं मानता है,
दिल नहीं मानता तो क्या करें, जाके देख लिए, मैं जाके मिल ली मम्मी से और थोड़ा मोड़ा वीडियो बनाने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन हल्का फुल्का मैं बना ली थी। और भाभी है, भाई है, बहुत ख्याल रख रहे थे, मैंने देखा। और फिर ये भी जा जा के डॉक्टर के पास, ये सब सब के पास ले जा रहे थे। और मिट्टी बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहा था दोस्तों, तो बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे मम्मी को देख के, अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि आप लोग को मैं दिखाई ही हूँ हर टाइम, मम्मी मेरी हंसते बोलते रहती है, खुश रहती है, और फिर दुकान भी चलाती है, आप लोग देखे हैं मेरी मम्मी का दुकान। लेकिन अभी ना दुकान एकदम सूना पड़ गया है, एकदम खाली, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था दुकान देख के, एकदम रोना आ रहा था। और ये मैं मुझे तो ये भी बोल रहे थे, मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि मम्मी का दुकान देखो कैसा लग रहा है, एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। उधर से ही मैं आना जाना होता है, तो उधर से ही मैं गई थी, तो अच्छा नहीं लग रहा था दोस्तों, इसलिए फिर ना मैं चली आई थी। ज़्यादा देर वहाँ बैठ ही नहीं, लेकिन प्लीज़ देखिए आप लोग दुआ करिएगा और जल्दी से जल्दी मेरी मम्मी ठीक हो जाए। और बस मम्मी का छोटा मोटा सा मैं आप लोग साथ शेयर करना चाहूँ, कर दूँगी। थोड़ा मोटा वीडियो बनाया था तो मतलब मम्मी लेते ही थी, क्या करें, अब वैसा सा हो ही गया है, क्या कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा ही तकलीफ में है दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा। तो चलिए दोस्तों, क्या बोलूँ, मन बहुत दुखी है अभी, इसलिए अभी कुछ बोल नहीं रही हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए, आपको चेहरे से भी लग रहा होगा आपको देख के।